छोटी मोटी पेनल्टी चलाओ तुम अपने कागज पूरे रखो ठीक है ताकि एनफोर्समेंट तुम फसो नहीं ठीक है बाकी चलना तो दोनों मतलब शाना बशाना ही चलना है ठीक है ना उनका ही परिवार है थोड़ा ही परिवार है तो एमिकेबली चलो पीसफुली चलो लड़ाई झगड़ा मत करो लड़ाई झगड़ा करके दोनों वास्ते नुकसान है एफ आई आर लगे पुलिस केस बने थोड़ी रोजी रोटी बंद उधर रोजी रोटी बंद अगर इन केस अगर दोनों पार्टियां अगर नहीं सैटलमेंट कोई थोड़ी होंगी है फिर डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन करना है ठीक है ना हो सकता है कि जो जो रूट तुम आखा दे उसी नो ट्रैफिक जोन अस डिक्लेयर करी ओड़े वास्ते दोनों पार्टी नुकसान है ठीक है इस करिए कोशिश करो कि जो सिस्टम चला था इं ही चले तो लड़ाई झगड़ा मत करो अपने डॉक्यूमेंट जोड़े ना पूरे रखो चलियो जी सर बताएंगे आज आप आरटीओ ऑफिस आए थे क्या सानू आरटीओ साहब की कॉल आई सी उन्होंने कहा ही थानू तुहाडी कोई मीटिंग है तुसी ई रिक्शा लाने नाल ते प्लस उन्होंने बुलाया सी उन्होंने ठीक है इस कारण असी ई रिक्शा पार्टी आई नहीं उन्होंने उन्होंने बुलाया नहीं ते असी उन्दे कोल आए सी अपनी उन्होंने सानू पूछा तुसी डीसी साहब को की करन बार बार की करन असी डीसी साहब नू आही इन्होंने कहा सर आही डीसी साहब कोल अज तक कदी गए भी नहीं लोग ना सानू जरूरत है असी तुहाडे कोल आंदे आ सानू होर किसे कोल जाण दी जरूरत नहीं है क्यों डीसी साहब दा अपना मसला डीसी साहब दा अपना मसला कहते डीसी साहब ने अपना मसला हल करना उन्दे कोल बाकी होर बथेरे काम कठुआ डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उन्दे कोल काम असी अपने जो भी साडा कोई गड्डी दा कोई प्रॉब्लम पैंदी आ असी आरटीओ साहब कोल आंदे आ आरटीओ साहब नू अपनी दसदे आ सानू समस्या की है की प्रॉब्लम है की नहीं है असी यही समस्या लैके आए थी इन्हों ई रिक्शे वाले बार बार डीसी साहब डीसी ऑफिस जाते हैं वो इन्हों डीसी साहब नू तंग करते हैं तो अही तो उन्दे कोल जाते नहीं ये अही इन्दे कोल ही मसला सानू इन्होंने बुलाया से तुसी डीसी ऑफिस की करना है अभी अं इन्होंने कहा अं सर तुहाडे कोल सानू कोई जरूरत नहीं है असी डीसी ऑफिस जाइए अस तुहाडे कोल अही सारा सारा काम तुहाडे कोल कराते हैं डीसी ऑफिस जाने की जरूरत है अही इन्हों यही बोलिया कहते जो न्यू तो न्यू रिक्शे निकली जा रहे हैं या उनका कोई रिकॉर्ड उन्हें रखो कोई उन्होंने कोई रूट दो या कुछ दो उनके कोल रूट नहीं है वो बिना रूट के वायलेशन कर रहे हैं कोई मनमर्जी का किराया ला रहा कोई किस तरह ला रहा कोई किस तरह कितने छड़ रहा किस तरह असं ही इन्होंने दरखास्त करना है जी चलते अं गवर्नमेंट को रेवन्यू दे रहे हैं इन्ना रेवन्यू दे रहे हैं कि गड्डी 50-50 हज़ार रुपया दे रही है वो गवर्नमेंट को कुछ दे रहे नहीं रहे गवर्नमेंट तभी उनका साथ दे रही है साड़ा साथ नहीं दे रही जी फाह ला लिए आई अपने आप में जो करिए दसो जो कठुआ पुलिस भी उन्हें कोई रोकती ना रोक ना टोक अद्धे को ज़्यादा नशेड़ी हैं कोई उनके को लसेंस नहीं कोई कुछ नहीं है हैं कोई किसी भी एट ए टाइम तुम चेक कर लो रोक के देखो उनके कोई बंदा नशा किया है या नहीं किया या लसेंस है या नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है कोई असं यही आर्टिस्ट सानू कहना है या उन्होंने कोई पूछने वाला पूछो या उनके बारे कोई उनके कागज कोई डॉक्यूमेंट कोई हाईवे से हर हाईवे से फिर असं यही गल कह रहे हैं इन्होंने हूँ पिछले एक्सीडेंट होया अं कहते हैं सारे सहमति ना चलन हाईवे से ना चलन किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी प्रॉब्लम होगी उस बेचारे देखिए तुम पिछले एक्सीडेंट होया किस कि बेचारे लगी है इतों कठुए तो रैफर सीधा जम्मू होया मैं कहना अंडर रूल सानू आर्टिस्ट साहब ने यही कहा अपने वायलेशन ना करो तरीके ना चलो कोई ऐसी कोई किसी ना लड़ाई झगड़ा ना करो ता भी परिवार है उनका भी परिवार है किसी ना लड़ाई झगड़ा ना करो बस साढ़े तरफ यही सहमति है अं आर्टिस्ट साहब कहना आया साढ़े कोई अं कोई गलत गल नहीं करते ना सूँ जरूरत है किसी गलत गल कर ना लड़ा अं अपनी सहमति ना चलना चाहते हैं जिस तरह सू गवर्नमेंट ने कागज दिते परमिट दिते असं उस तरह ही चलना किसी ना सूँ कोई गिले शिकवा नहीं जी सर बताएं आज आपके साथ शिष्टमंडल एक मिला है जो ऑटो यूनियन है क्या कुछ समस्याएं थी और क्या कुछ उनके लिए किया गया
जो आए थे ऑटो ड्राइवर्स आए थे हमारे पास, इनका ये मसला था कि ई रिक्शा और इन जो लोकल ऑटो चल रहे हैं ब्लैक कलर वाले, इनका आपस में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो गई है, तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इनको बुलाया था और इनको समझाया गया है कि ये जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल अपडेट रखें और अपने रूट पे ही चलें। और बाकी रहा ई रिक्शा वालों का, और उनके ऊपर भी हमने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ड्राइव जो चलाई हुई है और उनको हदायत दी है कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर मत चले, ताकि ये बिल्कुल एक डेलिकेट सा व्हीकल है, ये किसी की थोड़ी सी भी धक्के से ही गिर सकता है। पिछले 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा एपिसोड हुआ है इधर रेलवे रोड पर, ऑटो ये पलट गया है और इंजरी भी हुई है 3-4 लोगों को, और ड्राइवर जो था वो भी सीरियस है। तो इसलिए इनको हदायत दी है कि वो हाईवे पे मत चलें, और जो इंटरनल रोड है वहाँ पे ये अपना ड्राइविंग जो है वो प्ले व्हीकल कर सकते हैं। सर, लोगों की इनकी मांग थी कि कुछ उनको रूट परमिट तय किए जाएं, क्योंकि वो कहीं भी मनमर्जी से आ जा सकते हैं, तो क्या इसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाएंगे? इसमें ऐसा है कि जो ई रिक्शा है, ये गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इनको दिया गया है, और विदाउट परमिट है, तो इनका परमिट ऐसा कोई रूट डिफाइंड नहीं है कहाँ पे चलेंगे, पर फिर भी हमने इनको इन्फोर्स किया है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चले, पर कुछ है जो रूल को जो वायलेट करते हैं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं या कुछ है ऐसा जो भी हमारे संज्ञान में आता है या ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट, हम उनको बुक करते हैं।